नमस्ते सुचिता, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानते हैं, कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, गवर्नमेंट जॉब है फार्मासिस्ट के लिए। तो आइए जानते हैं और आगे देखते हैं ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, और इसमें अपन देखने वाले हैं कि जो है बम्पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आपको ये सेकंड नंबर वाला जो फ्लिप हो रहा है उस पर आपको जो है वो क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो दिखेगा। इसमें हम चलते हैं, हमें जब जानना है फार्मेसिस्ट के लिए तो पेज नंबर ट्वेल्व पर चलते हैं। और ये देखिए पेज नंबर 12 पर अपन आ गए हैं, और ये देखिए मैं आपको फार्मेसी से रिगार्डिंग जो है पोस्ट दिखाना चाहती हूँ। 11 नहीं है, 12 होना चाहिए। तो बात नहीं, हम नीचे चलते हैं, उनको नीचे मिल जाएंगे हमारी पोस्ट, नो प्रॉब्लम। ये देखिए 256 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा इन ग्रुप 15, जिसमें फार्मासिस्ट आते हैं। लाइन से देखिए जूनियर मेडिकल असिस्टेंट फूड एंड ड्रग, ये दूसरा है। पर तीन जगह फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको दिख रही है, और इसमें क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए होंगी, तो मेट्रिकुलेशन चाहिए इक्विवेलेंट विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और एनी अदर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और हरियाणा में ही आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और डिप्लोमा भी आप हो सकते हैं। साथ ही साथ में आप 10+2 विद साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री प्लस आउट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए आप हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में। बी फार्मेसी आपको लगेगी 50% मार्क्स के साथ, या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री। और 139 वाले के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 10+2 विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, बैचलर इन फार्मेसी, फार्म डी, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 6 मंथ ट्रेनिंग एज अ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी इंजेक्शन ड्रेसिंग इंडोर इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल चाहिए, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद द हरियाणा स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल। तो यहाँ पे जितनी भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी निकली है उसमें सभी में आपको हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाकी किसी फार्मेसी काउंसिल में अगर आप रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो आपको जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ हरियाणा फार्मेसी काउंसिल वाले लोगों को ही वो है यहाँ पर एंटरटेन करने वाले, और उन्हीं के लिए ये बम्पर वैकेंसी आई है स्पेशली हरियाणा वालों के लिए। 256 पोस्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। होप आपको इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में सारी जानकारी मिल गई है और आप इसको अप्लाई जरूर करेंगे। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।